हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं वैभव श्रीवास्तव आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ रेलवे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स। तो देखिएगा, आज हमारा लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्लीपर डेंसिटी एंड कॉनिंग ऑफ व्हील की। जहां हम बात करें स्लीपर डेंसिटी एंड कॉनिंग ऑफ व्हील, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहे जाते हैं और यहां से एक क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल जाता है। दोनों में से किसी एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ हम बता दें, कंप्लीट कोर्स है हमारा, तो ऑलरेडी 6 लेक्चर्स जो हो चुके हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां जा करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया जा रहा है, तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके, लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर स्लीपर डेंसिटी एंड कॉनिंग ऑफ व्हील्स, जो कि इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। देखिएगा, यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग लेक्चर 7, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव, आप सभी जानते होंगे। तो स्लीपर डेंसिटी, सबसे पहले तो ये वर्ड देखना है कि स्लीपर डेंसिटी, हम स्लीपर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप के स्लीपर्स हमने यूज़ किए हैं, वुडन स्लीपर्स हैं, मेटल्स के स्लीपर्स हैं एंड कॉन्क्रीट स्लीपर्स हैं। अब डेंसिटी से मतलब क्या होता है? डेंसिटी से मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हम जनरली बोलते हैं तो क्या होता है? घनत्व। अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो किसी पर यूनिट स्पेस में कितना फ्लूड है, इस तरीके से, या कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना मैटर है, इस तरीके से हम घनत्व को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर स्लीपर डेंसिटी डिफाइन करना है, तो स्लीपर डेंसिटी डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं, मान लीजिए सपोज ये एक कोई रेल है, ठीक है, और इस रेल के नीचे मान लीजिए 4 स्लीपर्स लगे हैं। इस रेल की टोटल लेंथ में कितने स्लीपर्स लगे हुए हैं? 4 स्लीपर्स लगे हुए हैं। तो अगर हम रेल की लेंथ स्टैंडर्ड लेंथ मान लें तो ये 1 रेल लेंथ हो गई है, 1 रेल लेंथ, और 1 रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स हैं? 4। तो यहां पर हम बोलेंगे स्लीपर डेंसिटी इज इक्वल टू, स्लीपर डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है? 4 नंबर ऑफ स्लीपर्स, 4 नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। एक रेल की लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स हैं, वही यहां पर स्लीपर डेंसिटी को डिफाइन कर रहा है। बिल्कुल सिंपल है, बस इसका नोटेशंस जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ स्लीपर्स पर यूनिट रेल लेंथ, एक यूनिट रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं। सपोज ये पूरा रेल लेंथ है, अगर मैंने बोला ये इसकी 1 मीटर लेंथ है, ये इसकी 1 मीटर, तो 1 मीटर लेंथ में कितने नंबर, अभी तो हमने पूरे रेल लेंथ के हिसाब से निकाल दिया, अब पर मीटर रेल लेंथ में निकालेंगे, तो 2 स्लीपर्स पर मीटर रेल लेंथ, ये हमारी यहां पर स्लीपर डेंसिटी डिफाइन हो जाएगी। तो ये हमारी स्लीपर डेंसिटी कही जाती है। अगेन, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स इज बेस्ड ऑन द स्लीपर डिस्टेंस। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो स्पेसिंग होती है स्लीपर्स के बीच की, जनरली हम कितना लेते हैं, 30 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बताया था कई बुक्स में 30.5 से लेकर के 35.5 सेंटीमीटर तक भी मेंशंस है। तो हमें जनरली 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर वाली चीज़ को ही ध्यान में रखना है। तो अगर हम बोले 30 टू 35 सेंटीमीटर, तो ये स्पेसिंग स्लीपर डेंसिटी पे बेस्ड होगी। अब स्लीपर डेंसिटी पे क्यों बेस्ड होगी? क्योंकि अगर स्पेसिंग कम कर दें तो वहां पर नंबर ऑफ स्लीपर्स क्या होंगे, ज्यादा आ जाएंगे। नंबर ऑफ स्लीपर्स क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। और स्पेसिंग यदि मैं बढ़ा देता हूं, तो स्पेसिंग बढ़ाने पे तो ये तो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, अननेसरी हम लगाएंगे, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनइकोनॉमिक, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ स्लीपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ स्लीपर्स अगर कम हो गए तो हम बात करेंगे हमारी बैलास्ट की, ठीक है। अगर हम बात करें जो बैलास्ट है या बैलास्ट है उसकी पैकिंग अफेक्टेड हो जाती है, बैलास्ट पैकिंग इज अफेक्टेड। और बैलास्ट की पैकिंग अगर अफेक्टेड हो जाती है तो ये ट्रैक
को फेल्योर होने के रीजन भी बन सकते हैं। इसलिए ना ही ज्यादा ना ही कम, एक पर्टिकुलर यहाँ पर स्पेसिंग हमने बात की है 30-35 सेंटीमीटर, और वो स्पेसिफिक डेंसिटी किसके बेसिस पे निकाली गई है, हमने स्लीपर डेंसिटी के बेसिस पे निकाली हुई है। ठीक है, इसको जो हम डिनोट करते हैं m प्लस एक्स से और n प्लस एक्स से, जब हम मीटर में बात करते हैं तो m प्लस एक्स लिखते हैं, और n प्लस एक्स कब लिखते हैं, जब यार्ड में, जहां पे m जो है वो लेंथ की मिनट है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं यहां पर m प्लस एक्स लिखा है, तो यहां पे क्या है, m है वन रेल लेंथ। अब वन रेल लेंथ की बात करें तो हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज के लिए रेल की लेंथ कितनी होती है, 13 मीटर। जबकि नैरो गेज की बात की जाए तो वहां पर रेल की लेंथ कितनी ली है हमने, 12 मीटर, और मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करते हैं यहां पर तो 12.8 मीटर यहां पर बोला गया था, 12.8 मीटर आपको यहां पर बोला गया था। तो यहां पर एम जो है वन रेल लेंथ है। अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको स्टैंडर्ड डाटा के बेसिस पे भी कैलकुलेशन करवा सकता है। यदि क्वेश्चन को और घुमाना हुआ तो वो स्टैंडर्ड डाटा ना दे करके एम की वैल्यू वहां पर मेंशन कर देगा। जबकि एक्स जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक फैक्टर होता है, उसके बेसिस पे दी जाती है, और वो फैक्टर इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो होता है वो डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे स्पीड पे, एक्सेल पे, एक्सेल लोड पे, इन सभी चीज़ों पे डिफाइन करता है। इसलिए एक्स एक नंबर होता है जो कि ऑलरेडी डिफाइन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर वेरिंग अकॉर्डिंग टू द एफ, एफ यानी फॉल फैक्टर, विच डिपेंड्स ऑन एक्सेल लोड, स्पीड, टाइप एंड सेक्शन ऑफ रेल। मतलब रेल के जो हमने डिफरेंट सेक्शंस पढ़े हुए थे, 60 kg, 52 kg पर मीटर, इस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस पढ़े हुए थे, उन सेक्शंस पर कौन सा सेक्शन यूज कर रहे हैं, स्पीड क्या यूज कर रहे हैं, एक्सल लोड क्या है, इन सभी बातों पर हमारा क्या यूज कर रहा है, एक्स की वैल्यू। जबकि एन क्या है, जो भी हमारी लेंथ है वो किसमें है, यार्ड में निकल करके आती है। किसमें निकल करके आती है, यार्ड में। जब यार्ड में हम रखेंगे तो उसको एन प्लस एक्स रखा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे में जनरली स्लीपर डेंसिटी कहाँ से कहाँ वेरी करती है, तो जनरली स्लीपर डेंसिटी जो होती है, स्लीपर डेंसिटी जो वेरी कर रहा होता है वो एम प्लस फोर से लेकर के एम प्लस सेवन तक वेरी कर रहा होता है। ध्यान रखिएगा एम प्लस फोर से एम प्लस सेवन, और ये इंपॉर्टेंट डाटा है, कई जगह पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आपको कई जगह पर पूछा गया है कि स्लीपर डेंसिटी जो वेरी करती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, एम प्लस फोर से लेकर के एम प्लस सेवन। चलिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि मैंने बोला स्लीपर डेंसिटी एम प्लस फाइव है, ये क्या है हमारी स्लीपर डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए ब्रॉड गेज के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ब्रॉड गेज के केस में एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 मीटर, या अगर प्रिसाइजली लेना हो 12.8 भी आप लेकर के काम कर सकते हैं, 12.8 मीटर। तो अब हम बात करें स्लीपर डेंसिटी की तो कितनी हो जाएगी, 13 + 5 = 18 स्लीपर्स पर मीटर रेल लेंथ। मतलब यदि हम बात करते हैं तो एक रेल लेंथ होती है 12.8 मीटर की, और अगर हम बात करें 1 मीटर की, तो 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से कितना, 18 स्लीपर्स इस पोर्शन में आने चाहिए, 18 स्लीपर्स पर मीटर रेल लेंथ आना चाहिए। तो ये यहाँ पर स्लीपर डेंसिटी को डिफाइन कर रहा है। आई थिंक अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, स्लीपर डेंसिटी किस तरीके से निकालना है, स्लीपर डेंसिटी होता क्या है, इनका कैलकुलेशन कैसे करना है। एग्जैक्टली क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछा भी गया है, ठीक है, या पीएससी में भी, कई सारे पीएससी में भी पूछे गए हैं। अब ब्रॉड गेज ट्रैक हैज स्लीपर डेंसिटी ऑफ एम प्लस फाइव, कितना है एम प्लस फाइव, देन
हाउ मैनी स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर ट्रैक। अब कितने किलोमीटर ट्रैक उसने पूछ लिया है कि अगर स्लीपर डेंसिटी m प्लस 5 है तो बताइए 1 किलोमीटर ट्रैक में, 1 किलोमीटर ट्रैक में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड हैं, नंबर ऑफ स्लीपर्स जो हैं वो कितने रिक्वायर्ड हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले रेल लेंथ हम मान लेते हैं, कुछ रेल लेंथ दिया नहीं है तो अज्यूम कर लेते हैं हम रेल लेंथ इज इक्वल टू कितना, 13 मीटर। अगर आप 12.8 से करना चाहें वहां से भी कर सकते हैं, बट लास्ट में राउंड फिगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली 13 मीटर मान करके चल रहे हैं। देन स्लीपर डेंसिटी अगर हम बात करते हैं, स्लीपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, m प्लस 5 इज इक्वल टू 13 प्लस 5, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, चलो एक मैं आपको शायद 12.8 से करवा के दिखा दूं, कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। एक हमने कर लिया, ये 12.8 से कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12.8 प्लस 5, तो अगर हम 12.8 प्लस 5 करते हैं, 13 प्लस 5, अगर हम 18, तो कितना हो जाएगा, 17.8 मीटर। ये हो गया स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। अब वन अगर हम बात करें, इन 1000 किलोमीटर नंबर ऑफ रेल्स रिक्वायर्ड कितनी है, 1000 किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ रेल्स, एक रेल की लेंथ है 12.8 और 1000 किलोमीटर में कितना रिक्वायर्ड है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, 78.125 नंबर ऑफ रेल्स, इतने नंबर ऑफ रेल्स हमें यहां पर रिक्वायर्ड है। अगर हमने नंबर ऑफ रेल्स रिक्वायर्ड निकाल लिए हैं तो नंबर ऑफ रेल्स रिक्वायर्ड को स्लीपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक रेल लेंथ में इतना रिक्वायर्ड है, तो हम स्लीपर डेंसिटी से, तो हम निकालते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेल्स इंटू स्लीपर डेंसिटी। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ रेल्स कितने थे हमारे पीछे देख लेते हैं, 78.125 और स्लीपर डेंसिटी कितनी थी, 17.8। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी 1391 के आसपास, देख लीजिएगा 1391 के आसपास आ जाएगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए m प्लस 5 दी गई थी, तो हमसे पूछा गया 1 किलोमीटर ट्रैक में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड है, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, क्लियर बात। और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे आगे, चलिए। तो यहाँ पर हम स्लीपर डेंसिटी की बात करते थे, स्लीपर डेंसिटी कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरीके से, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करें, कैलकुलेशंस को पार्ट में भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कंप्लीट किया 17.8, फिर यहाँ कैलकुलेशन किए, तो डायरेक्टली इसको लिख करके आप यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं टर्म और यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, और ये जो है वुडन स्लीपर के लिए निकाला जाता है, जनरली किसके लिए निकाला जाता है, वुडन स्लीपर्स के लिए कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स निकाला जाता है। ये इंडेक्स स्लीपर की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देखो यहाँ पर लिखा है, इट ऑल्सो लुक्स एट द स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक्स, मतलब किसकी, वुडन स्लीपर्स की स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक्स को यहां पर देख रहा होता है, कौन सा, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स वुडन स्लीपर की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और अगर हम बात करें तो CSI इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर टिम्बर, किसी एक पर्टिकुलर टिम्बर का क्या वो स्लीपर बनाने के लिए सुटेबल है या वो स्लीपर बनाने के लिए सुटेबल नहीं है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल वुडन स्लीपर्स की बात की जा रही है। तो CSI इज इक्वल टू क्या होता है, S प्लस 10H/20, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, डायरेक्टली एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया फॉर्मूला है, हमको इसको याद रखना है, जहाँ S इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडेक्स है,
उसका कोई यूनिट नहीं है, इंडेक्स है, तो स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ टिम्बर एट, यहां पर टाइवन नहीं है, टिम्बर है, ठीक है, स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो भी यहां पर कई बार पूछा गया है, जो स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं और जो हार्डनेस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों किस पैरामीटर पे, कितने परसेंट मॉइस्चर्स पे निकाले गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ पैरामीटर और हार्डनेस पैरामीटर दोनों ही कितने परसेंट मॉइस्चर कंटेंट पे निकाले गए हैं, 12% मॉइस्चर कंटेंट पे निकाले गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12% मॉइस्चर कंटेंट पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस पैरामीटर, एज वेल CSI की वैल्यू क्या होती है, S प्लस 10H/20 डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, और ये इंडेक्स इंफॉर्मेशन देगा कि हमारा जो बुटिन स्लीपर है वो अच्छा है या बेकार है, ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यू। आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा है, कोई एक वैल्यू आ गई CSI की, लेकिन उसको कंपैरिजन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड डाटा भी तो होना चाहिए, तब तो हम मानेंगे वो अच्छा है या बेकार है। मतलब अगर आपको देखना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है या आपके पीछे वाले का परफॉर्मेंस कैसा है, तो किसी के रिलेटिव ही तो देखेंगे आप, तो रिलेटिव देखने के लिए यहाँ पर कुछ मिनिमम वैल्यू दी गई हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ CSIs प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे इस तरीके से है, वो क्या है, यहाँ पर पहला ट्रैक स्लीपर। ट्रैक स्लीपर का मतलब है जो स्ट्रेट ट्रैक पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, जनरली स्ट्रेट ट्रैक पे या कर्व पे जो यूज हो रहे हैं वहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रैक स्लीपर, ट्रैक के लिए जो यूज हो रहा है उसके लिए मिनिमम वैल्यू 783 होना चाहिए, CSI की मिनिमम वैल्यू 783। जबकि क्रॉसिंग स्लीपर, क्रॉसिंग स्लीपर का मतलब क्या है, मान लीजिए एक रेलवे लाइन यहां से जा रही है, जबकि एक रेलवे लाइन यहां से जाकर के इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी, ये दूसरी रेलवे लाइन, तो एक रेलवे लाइन यहां जाएगी, एक रेलवे लाइन यहां जाएगी, या फिर इस तरीके से भी रेलवे लाइन क्रॉस कर सकती हैं आपस में, ये इस तरीके से रेलवे लाइन क्रॉस कर सकती है। तो जब हमारी रेलवे लाइन यहां पर आपस में क्रॉस कर रही हैं, उस समय स्ट्रेंथ काफी अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए वहां पर, क्योंकि वहां पर वाइब्रेशन भी ज्यादा होते हैं, एज वेल लोड का ट्रांसफर एक रेल से दूसरे रेल पे होता है, तो स्लीपर पे भी लोड ज्यादा आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए यहां पर क्रॉसिंग के लिए कितना है 1352, मिनिमम CSI कितना है 1352। जबकि ब्रिज स्लीपर्स की बात करते हैं तो ब्रिज स्लीपर्स के लिए कितना है 1455 वैल्यू ली गई है। अगर मिनिमम वैल्यू इतनी है, इससे ज्यादा आती है अच्छा है, बट मिनिमम इतना वैल्यू हमें एक्वायर्ड होना चाहिए CSI का, मतलब कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का। तो ये कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की बात हो गई है कि कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एज वेल जो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंडेक्स आप निकाल रहे हैं वो कितने प्रतिशत मॉइस्चर कंटेंट पे आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है कॉनिंग ऑफ व्हील, ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट पार्ट है कॉनिंग ऑफ व्हील, तो कॉनिंग ऑफ व्हील होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब रेल्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, इस तरीके से रेल्स बनी होती हैं, तो रेल्स पे क्या होता है, जो व्हील्स होता है वो कॉन शेप में रखा जाता है, व्हील्स का यहाँ पर फ्लेंज होता है और फ्लेंज से यहाँ पर ये कॉन शेप में रखा जाता है, ठीक है, अगर ये कॉन शेप में रखा जाता है तो कॉन शेप में इस तरीके से बाहर साइड पे अगर आप बढ़ा देंगे इसको तो ये कॉन का फॉर्मेशन कर देगा, सिमिलरली यहां पर भी ये कॉन शेप में रहेगा, इस तरीके से ये कॉन शेप में रहेगा, ठीक है, तो ये जो कॉन शेप बन रहा है यहां पर व्हील का, इसी को बोला जाता है कॉनिंग ऑफ व्हील, इसी को ही क्या बोला जाता है कॉनिंग ऑफ व्हील। अब कॉनिंग ऑफ व्हील की रिक्वायरमेंट क्या है, देखो अगर हम कॉनिंग ऑफ व्हील की बात करें तो कॉनिंग ऑफ व्हील में जो फ्लेंज के पास का पोर्शन है उसका डायामीटर D1 बोल देता हूं और यहां जो फ्लेंज से दूर का पोर्शन है उसका डायामीटर D2 बोल देता हूं, तो क्या D1 की वैल्यू D2 से ज्यादा है या नहीं, ज्यादा है। तो अब देखो दो व्हील्स हैं, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू यहां पर डी है और इसकी वैल्यू यहां पर डी है, तो स्ट्रेट ट्रैक में जब ये चलेंगे तो अगर मान लीजिए यहाँ D2 वैल्यू स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है और D1 वैल्यू से ये चल रहा है और यहाँ पर D वैल्यू से चल रहा है, तो इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा,
पाई डी वन, और इसको एक सरकमफेरेंस में कितना डिस्टेंस चलना है, पाई डी। दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल की, और क्या स्ट्रेट ट्रैक पर दोनों व्हील को अलग अलग ट्रैवल करना चाहिए? नहीं। तो क्या होगा, अपने आप ही इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा ये व्हील, लैटरली शिफ्ट होकर के अपने आप ही इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर भी जो डिस्टेंस चली जाएगी वो पाई इंटू डी चली जाएगी। तो अब दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो स्लिपेज, स्लिपिंग और स्किडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। आई बात समझ में? तो ये रेल को या ट्रेन को सेंट्रल पोर्शन में रखने की कोशिश करता है। उसका फायदा क्या है, देखो आपको बताया था फ्लेंज और रेल के बीच में कुछ स्पेस रहता है, कितने का, 1 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स, जिसके कारण रेल का इनर पोर्शंस और फ्लेंज आपस में वियर एंड टियर कम होता है, इनका वियर एंड टियर कम होता है। अगर फ्लैट व्हील रख देते तो क्या होता, फ्लैट व्हील में पूरा डी डायमेंशन, देखो फ्लैट व्हील रखते तो क्या होता, ये पूरा डी डायमेंशन और यहाँ पर भी पूरा डी डायमेंशन, ये भी डी है, ये डी, ये डी, ये डी, ये डी, ये डी। तो अगर ये लेटरली शिफ्ट होता और रेल के अंदर पोर्शंस में ये इम्पैक्ट करता, ये रेल के अंदर, तो ये अपने आप शिफ्ट नहीं होता ओरिजिनल सेंटर पोजिशन में। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से डी पार्ट तो चल रहा है, अब चाहे लेटरल हो जाओ चाहे इस तरफ, दोनों तरफ से डी पार्ट, तो वियर एंड टीयर को कम कर रहा है कॉनिंग ऑफ व्हील, और रेल को सेंट्रल अलाइनमेंट के पैरेलल रखने की कोशिश कर रहा है कौन, कॉनिंग ऑफ व्हील। साथ ही साथ इसका एडवांटेज क्या है, ये तो ऑन स्ट्रेट पाथ हम बात कर रहे हैं, ऑन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी किस पे, कर्व पाथ पे, तो कर्व पाथ पे आपको पता है क्या पता है भैया, कर्व पाथ पे हमें एक चीज पता है कि कर्व पाथ पे हमारा एक दुश्मन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो दुश्मन हमें बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। मान लो ये आपका आउटर रेल है और ये है आपका इनर, ठीक है, आप इस तरीके से मुड़ रहे हो, ठीक है, इनर पार्ट ये हो गया है, ये इनर पार्ट हो गया है और ये क्या हो गया है, आउटर पार्ट हो गया है, ठीक है। अब इस तरीके से मुड़ रहे हो तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स काम करेगा जिसका नाम क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब ये आपको बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो रेल पे जब आप चलोगे इस तरीके से, ये रेल है, ये भी रेल है, तो अब जब रेल पे चलोगे तो आप यहां पर ज्यादा डायामीटर वाले से बात कर रहे होगे, डी वन है और ये डी टू है, ठीक है। तो यहां पर किस डी वन डायामीटर के अकॉर्डिंग मूव हो रहे होगे, हो रहे होगे या नहीं, बाहर साइड पे पुश हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ये आप चल रहे थे बाहर साइड पे पुश हुए, तो ये आप अब फ्लेंज यहां व्हील के साथ, रेल के साथ फ्लेंज टच हो रहा है और आप डी वन डायामीटर से चल रहे हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये तो डी वन था और यहां पर ये डी टू हो गया, तो यहां पर किस डायामीटर से चल रहे हो, डी टू डायामीटर से चल रहे हो। तो मतलब समझने की बात करना, अगर ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है तो आप यहां पे देखो आउटर रेडियस ज्यादा हो जाएगी, इनर रेडियस क्या रहेगी, कम रहेगा। तो अगर हम बात करें इनर साइड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, आउटर साइड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है सेम टाइम ड्यूरेशन में, तो यहां पर एक सर्कमफेरेंस में पाई डी वन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां एक सर्कमफेरेंस में पाई डी टू, एक परिधि में एक बार घूमने में पाई डी टू करेगा, और ये इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि लगभग दोनों बराबर हो जाएं। और जब लगभग दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप समझ रहे हो स्किडिंग और स्लिपिंग की कंडीशंस नहीं होगी, और स्किडिंग और स्लिपिंग की कंडीशंस नहीं होगी तो अगेन रेल और व्हील का वियर एंड टियर कुछ हद तक बच जाएगा, साथ ही साथ ट्रेन के डिरेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए कॉनिंग ऑफ व्हील इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछा जाएगा कॉनिंग ऑफ व्हील क्या केवल कर्व पे इंपॉर्टेंट है, नहीं, कर्व पे तो हम बात करें ऑन कर्व ट्रैक तो है ही, कर्व ट्रैक तो रिक्वायर्ड है ही, साथ ही साथ स्ट्रेट ट्रैक पे भी ट्रेन को सेंट्रल पोजीशन में बनाए रखने के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर हम पढ़ लेते हैं, व्हील्स आर मेड इन अ कॉन शेप्ड हैविंग ग्रेटर डायामीटर नियर द फ्लेंज एंड लेस ऑन द अदर एंड, हैविंग डिफरेंस डायामीटर एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इज नोन एज कॉनिंग ऑफ व्हील, इज नोन एज
कॉनिंग ऑफ व्हील्स। अब ये कॉनिंग ऑफ व्हील्स कहा जाता है, तो ध्यान रखना जो कॉनिंग स्लोप होता है वो 1:20 का होता है। अब इस 1:20 का मतलब क्या है समझिएगा, 1:20 का मतलब है 20 हॉरिजॉन्टल जाने पे 1 वर्टिकल नीचे आएंगे। तो जो कॉन का स्लोप ऑफ कॉन की अगर हम बात करें हैं तो 1:20 हो जाता है, मतलब 1 वर्टिकल जाएंगे जब हम 20 हॉरिजॉन्टल जाएंगे। इस तरीके से इसका स्लोप बना हुआ रहता है, तो इस तरीके से इसको भी ध्यान रखिएगा। अगेन ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे थोड़ी देर में, इन सभी चीज़ों की भी बात करेंगे ये है क्या। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पर्पज़ ऑफ कॉनिंग ऑफ व्हील क्या है, तो पहला पर्पज़ क्या है, टू कीप द ट्रेन इन सेंट्रल पोजीशन। हमने बात की स्ट्रेट ट्रैक पे हम अपने ट्रेन को सेंट्रल पोजीशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनिंग ऑफ व्हील कर रहे होते हैं। इट हेल्प्स इन नेगोशिएटिंग द कर्व स्मूथली, कर्व पाथ पे स्किडिंग और स्लिपिंग ना हो उन सब से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, नेगोशिएशन इसका कर रहे होते हैं, नेगोशिएट कर रहा है कर्व पे आसानी से। रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ रेल एंड फ्लेंज, बिल्कुल अभी हल बात की, फ्लेंज और रेल के बीच में जो वियर एंड टियर्स है उसको भी कम कर रहा है। और प्रोवाइड पॉसिबिलिटी ऑफ लेटरल मूवमेंट ऑफ एक्सेल विथ इट्स व्हील, और व्हील्स का लेटरल मूवमेंट भी एक्सेल की पॉसिबिलिटी, अगर दोनों डी और डी साइज के होते तो एक बार शिफ्ट हो जाता फिर दोबारा इस साइड शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों ही डी डायमीटर, अगर पूरा डी डायमीटर का होता तो एक बार शिफ्ट हो जाता, पूरा डी और डी से चल रहा है तो आसानी से लेटरल डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता, और वो शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी भी कौन कर रहा है, कॉनिंग ऑफ व्हील कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो एक और चीज बता देता हूं, डिसएडवांटेज क्या है, कुछ तो डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऑफ कॉनिंग ऑफ व्हील, कॉनिंग ऑफ व्हील का डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं कॉनिंग ऑफ व्हील का डिसएडवांटेज, पहला इनर एज ऑफ रेल हैव टेंडेंसी ऑफ वियर एंड टियर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो देखो अभी हमने बात की थी कि अगर थोड़ा सा भी व्हील थोड़ा यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर हुआ, इस तरीके से मूवमेंट व्हील का होने लगेगा। ठीक है, कॉनिंग के कारण व्हील का लेटरल डायरेक्शन में लाना है, अगर ये बाहर गया तो फिर बीच में लाएगा, ये बाहर गया इसको बीच में लाएगा, तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है, रेल पे बार बार हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट पड़ता है। अब रेल पे हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट पड़ता है तो इनर एज जो है वो कई बार वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है, गेज में वाइडन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, और यही हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण जो हमारा गेज है, अगर हम ब्रॉड गेज की बात करें, ब्रॉड गेज ट्रैक है, बार बार इस पर इंपैक्ट मारो, अगर बार बार फ्लेंज का इस पर इंपैक्ट, रेल पे ये रेल है और बार बार फ्लेंज का इंपैक्ट जाएगा तो क्या होगा, अपनी पोजीशन से बाहर टाइप शिफ्ट होने लगेगा, और शिफ्ट होने लगा तो जो गेज मेंटेन है वो गेज प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं हो पाएगा। तो गेज में वाइडन मतलब गेज चौड़ा हो सकता है क्योंकि रेल की शिफ्टिंग पॉसिबल है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण, तो ये डिसएडवांटेज हुए। अगेन इन डिसएडवांटेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कैंटिंग ऑफ रेल करते हैं टू काउंटर एक्ट दीज डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉनिंग ऑफ व्हील वी डू कंटिंग ऑफ रेल, वी डू कंटिंग ऑफ रेल। अब कंटिंग ऑफ रेल्स का मतलब क्या है, आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम, तो देखो रेल को भी तिरछा लिटाया गया है, यानी रेल को भी इसके शेप में तिरछा लिटाया गया है, यानी मतलब टॉप सरफेस जो रेल है वो भी 1:1 के
हम बात कर रहे हैं 1:20 के रेशियो में है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इन ऑर्डर को अगर मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो हम रेल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट लगाते हैं, ठीक है। काउंटिंग ऑल, वी डू काउंटिंग ऑल ऑफ इट, मींस रेल्स आर नॉट लेड फ्लैट बट एट अ स्लोप ऑफ 1:20। कैंटिंग का मींस क्या है, कैंटिंग का, कैंटिंग का मींस मतलब, इट मींस का मतलब है, कैंटिंग का मतलब क्या है, कैंटिंग का मतलब है कि रेल्स आर नॉट लेड फ्लैट बट एट अ स्लोप ऑफ 1:20, 1:20 के स्लोप पर इनको लगाया जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डायग्राम आप देखिएगा, यहाँ पर रेल का स्लोप कितना बता रहा है, ये 1:20, और ये जो है 1:20, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कैंटिंग ऑफ रेल बोला जाता है, कैंटिंग ऑफ रेल्स बोला जाता है, ठीक है। और ये 1:20 क्या है, अब रेल को अगर हमें तिरछा लगाना है, मान लीजिए रेल को तिरछा लगाना है, तो रेल को तिरछा लगाने के लिए स्लीपर में भी कुछ ऐसा ग्रुप्स देना पड़ेगा या नहीं, तो स्लीपर्स में भी एक इनवर्ड स्लोप देते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ, ये स्लीपर है, स्लीपर में ऐसे अंदर की तरफ एक स्लोप दे दिया जाता है 1:20 का, जिसे हम बोलते हैं एडजिंग ऑफ स्लीपर्स, क्या बोला जाता है, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। तो अगेन हम बात कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ रेल्स इज अचीव्ड बाय, पहला एडजिंग ऑफ स्लीपर, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स, और दूसरा बाय यूजिंग कैंट प्लेट, या कैंटिंग प्लेट्स हम स्लीपर के ऊपर, इस तरीके से कैंटिंग प्लेट्स आती हैं, इस तरीके से स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर इस तरीके से कैंटिंग प्लेट्स लगा देंगे, और कैंटिंग प्लेट्स के द्वारा ही हम वहां पर कैंटिंग को अचीव कर लेंगे। तो अगेन टॉपिक जो आता है वो होता है एडजिंग ऑफ स्लीपर्स, तीनों टॉपिक का लिंक है, काउंटिंग ऑफ व्हील्स, कैंटिंग ऑफ रेल, और कैंटिंग ऑफ रेल के बाद एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। तो हम एडजिंग ऑफ स्लीपर्स, देखो स्लीपर्स को इनर साइड में हम क्या करते हैं, इस तरीके से इनवर्ड स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं एडजिंग ऑफ स्लीपर, तो हम एडजिंग ऑफ स्लीपर्स को लिख लेंगे, टू प्रोवाइड कैंटिंग ऑफ रेल अ ग्रुप having inward slope of 1:20 is provided in sleepers, which is known as एडजिंग ऑफ स्लीपर्स, क्लियर है, ठीक है। कॉनिंग हम करते हैं, कॉनिंग के लिए अगर हम बात करें तो कॉनिंग के चक्कर में हमें कैंटिंग ऑफ स्लीप रेल करना पड़ेगा, और जब हम कैंटिंग ऑफ रेल करते हैं तो कैंटिंग ऑफ रेल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजिंग ऑफ स्लीपर। तो ध्यान रखना, कॉनिंग ऑफ व्हील, कैंटिंग ऑफ रेल और एडजिंग ऑफ स्लीपर, तीनों का स्लोप कितना है, 1:20 है, तीनों का स्लोप कितना है, 1:20। तो कॉनिंग ऑफ व्हील्स एंड स्लीपर्स एट अ स्लोप ऑफ 1:20, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। तो यहां पर आपका स्लीपर्स का पोर्शन कंप्लीट होता है, और स्लीपर्स यहां पर कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे बैलास्ट, ठीक है। तो आज हम टेस्ट कर लेते हैं अपनी नॉलेज, जो हमने पढ़ा है कितना चीजें सही है कितना चीजें गलत। देखिएगा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जल्दी से आंसर बताइएगा। कॉनिंग ऑफ व्हील is necessary to prevent rubbing of flange of wheel with rails, बिल्कुल सही बात है, conning of wheels necessary हो जाती है, जो rubbing action होता है flange का और wheels का, flange के wheels का और rails का, उनके बीच में रगड़ को रोकने के लिए conning of wheels जरूरी है, बिल्कुल सही बात। conning is provided at 1:20, ये भी सही है, ठीक है। ये conning of wheel is required only in car, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। अगेन इन conning of wheels, कॉनिंग व्हील्स आर गिवन एन आउटवर्ड स्लोप, बिल्कुल सही बात है,
कॉनिंग व्हील्स को तो आउटवर्ड स्लोप दिया गया है, ये देखो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, जबकि एडजिंग ऑफ स्लीपर में क्या है, इनवर्ड स्लोप है। कैसा है? इनवर्ड स्लोप। तो देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपर डेंसिटी नॉर्मली अडॉप्टेड इन इंडियन रेलवे इज, कितना होता है, एम प्लस 4 टू एम प्लस 7, अभी हाल हमने थोड़ी देर पहले बात की हुई थी। ठीक है, अगेन स्लीपर डेंसिटी फॉर अ ग्रुप ए रूट विथ ट्रैफिक डेंसिटी मोर देन 20 GMT इज, अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर से है, जहां पर हमने टाइप ऑफ रूट पढ़े हुए थे, जहां पर हमने ए रूट पढ़ा हुआ था, क्लास ए रूट, क्लास ए रूट में हमने बात की थी 20 GMT। अगर हम बात करें तीन तरीके के मेन ब्रांच इस तरीके से पढ़े हुए थे, तीन रूट कैपेसिटी के आधार पर तीन रूट पड़े हुए थे, और हमने स्पीड के आधार पर पांच रूट पड़े हुए थे, जहां कैपेसिटी वाली बात थी तो मोर देन 20, अगर हम मोर देन 20 बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो स्लीपर्स थे 1660 स्लीपर्स पर किलोमीटर हमारे थे, 1660 स्लीपर्स पर किलोमीटर। तो यहां पर बी ऑप्शन, आप उस टेबल को एक बार देखेंगे आपको चीजें फिर से याद आ जाएंगी। तो ग्रुप ए रूट के लिए पूछा गया ऑलरेडी बोल दिया है, और 20 GMT टन से ज्यादा कैपेसिटी, यानी GMT का मतलब ग्रॉस मिलियन टन। तो आज यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विथ अस, एंड अगेन आपसे बोलूंगा प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि MPPSC GK का भी हमारा कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब डेली रहने वाला है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी डाउट हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग फॉर दिस लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग अस, वी विल डू आवर बेस्ट, थैंक यू।